सवाल करें जी बिल्कुल, जवाब तो नहीं दे रहे जवाब यानी कि आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते? नहीं देख सकते। कोई थोड़े हाथ से रोया तो मन गए? मन मंदिर आप मुझसे बात नहीं करेंगे? कैमरा बंद कर नहीं करूँगा, अपने सर पे हाथ रख कह रही है कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है तो मैं दिल दुखने नहीं दूंगी इंशाल्लाह। बहुत बार हुई है, हर मरतबा रुलाने वाला को नया था या एक ही बंदा? ऐसे दोस्त जो होते हैं कहते रुलाता वही जिसपे ट्रस्ट किया जाता है। पड़ी गई है ना, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। मैंने मोहब्बत की है अपने काम से, सीरियसली। नहीं पिछले दिन रो क्यों रही थी? इस फील्ड ने तो वो फिर जो आप रोई, जो दुख उठाए, तो उसका रिजल्ट भी मिला आपको? वो जो मैं रोई, मैंने जो दुख उठाए, कुछ लोगों की तलख बातें, तलख रवैया मैंने बर्दाश्त किया, उसका ये रिजल्ट अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी। मेरा प्रोग्राम है एक सवाल डॉक्टर अजमल मलिक के साथ, और वादे के मुताबिक इस मरतबा फिर एक और ऐसी अदाकारा मेरे सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास मौजूद हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिन्हें चाहते हैं, जिन्हें आप फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, साहिवाल, हर जगह, रावलपिंडी, जहां जहां थिएटर है वहां देखते हैं, और आजकल कर रही हैं शालीमार थिएटर लाहौर में परफॉर्म, और बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप, नाम की तरह खुद भी बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरत कैफ, वेलकम खूबसूरत, कैसी हैं? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरत पब्लिक का हजूम जो है ना, आपको देखने के लिए जहाँ भी जाता है, जाती हैं आप, आपके पीछे पीछे आ जाता है, बस ये उनका प्यार है। और सबसे पहले मैं आपका थैंक्स कहूंगी, क्योंकि आपने अपने चैनल पे मुझे मौका दिया आने का और बात करने का, अपने ऑडियंस से बात करने का। और मैं सब देखती रहती हूँ आपका चैनल पे, बहुत सारे स्टार आप लेके आते हैं सबसे, और माशाल्लाह आप खुद स्टार हैं। आपको पता है कि भी आपको अपने चैनल पर क्यों लाया गया? क्योंकि मेरे चैनल पर आपके नाम के बाकायदा मैसेज आया। माशाल्लाह खूबसूरत कैब से भी सवाल पूछा गया। थैंक यू सो मच, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं और जिन्होंने भी सवाल किया, सवाल क्या है ये मुझे नहीं मालूम, अभी डॉक्टर साहब करेंगे तो पता चलेगा। ऐसा परफ्यूम इस्तेमाल करती है, वो खुशबू लगाती है कि चाहने वाले आपके पीछे पीछे? परफ्यूम तो मैं ऐसा जरूर लगाती हूँ जो मुझे पूछा जाता है कि कौन सा परफ्यूम यूज करती है और मतलब लाइक किया जाता है, बाकी ये उनका प्यार है और कुछ नहीं। या मेरी अल्लाह की रहमत या माँ की दुआएं, या आप जैसे इतने सीनियर डायरेक्टर जो है हमें काम करवाते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। माँ बाप की दुआओं के बगैर तो कोई भी इंसान जो है अधूरा है, और हम आपसे इसलिए अच्छा काम करवाते हैं, हर किसी से क्यों ना करवाते हैं, उसी से करवाते हैं जो इस लायक होता है, और आप इस लायक हैं। अब आपसे सवाल करें जी बिल्कुल, जवाब तो नहीं दे रहे जवाब आपसे सवाल है कि रोना अच्छा लगता है या रुलाना अच्छा लगता है? रोना अच्छा लगता है या रुलाना अच्छा लगता है? डेफिनेटली रोना अच्छा किसी को नहीं लगता, और मुझे रुलाना भी अच्छा नहीं लगता। आपको रोना अच्छा नहीं लगता तो रुलाना भी अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता। यानी कि आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते? नहीं देख सकते। कोई थोड़े हाथ से रोया तो मन गए? मन मंदिर नहीं, मतलब तो फिर आप कैसे किसी की चाहतों का, किसी की चाहतों के आंसू आप कैसे बोलती हैं? मैं प्यार से, मैं किसी प्यार की बात कर रहा हूँ, तो मैं वही बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो, किसी को दुख ना हो। अगर मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं अपने पे सह लूँ, मेरी तरफ से। जी तो व्यूअर्स आप सुन रहे हैं कि क्या कह रही हैं खूबसूरत, वो कह रही हैं कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है तो मैं दिल दुखने नहीं दूंगी। अब आप कुछ ना सोच लेना ऐसा, दुखी दिलों की दवा जो है वो खूबसूरत कैफ है। बिल्कुल, आप किसी को रोने नहीं देती, रुलाती भी नहीं है, रुलाती भी नहीं, खुद रोई है कभी? बहुत बार रोई है, हर मरतबा रुलाने वाले को नया था या एक ही बंदा? ऐसा नहीं होता कि बंदे की वजह से, कुछ समटाइम ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, फिर रोना पड़ता है, रोना पड़ता है। चलें अल्लाह पाक आप हमेशा खुश रखे, आप रोना पड़े और आप हमारे पास बार बार काम करने। जी मैं बस यही दुआ करूंगी कि मैं आपके साथ काम करती हूँ। तो व्यूअर्स खूबसूरत कैब हमारे पास मौजूद है, और ये हमारी बातों के जवाब देने की बजाय वापस सवाल कर रही है। नहीं हंसना नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप बता रही थी कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाती। मैं नहीं दुखाती किसी का दिल। आप दिल नहीं दुखाती? नहीं दुखाती। तो ये जो लोग कहते हैं कि दिल नहीं दुखाना चाहिए, दिल में खुदा है। अच्छा, दिल में खुदा है, जो बाहर इंसान है वो भी खुदा के बंदे हैं। वो तो खुदा, जब तक वो राजी नहीं होंगे
तो फिर जब हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे यार, ये नहीं किसी का दिल दुखाने वाला। हाँ, मैं बिल्कुल किसी का दिल खूबसूरत कैब जो है इस वक्त शालीमार थिएटर में परफॉर्म कर रही है और इसका ड्रामा बड़ा खूबसूरत जा रहा है। दिल नहीं दुखाने वाली, आपने आना है इनका ये ड्रामा देखने के लिए। ये ड्रामा एक बार देखे जरूर आप, एक मरतबा जरूर, और मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। आप क्या चाह रहे हैं मुझे पता है, आपने कभी मोहब्बत की है किसी से? मोहब्बत क्या होती है? और उसने बेवफाई की हो? बेवफाई क्या होती है, जब मोहब्बत ही नहीं की तो बेवफाई क्या होती है? मैंने मोहब्बत की है अपने काम से, सीरियसली। नहीं, पिछले दिन रो गया रही थी। देखो मेरी गाल सुनो, अपने चैनल पे ना जी कोई गाल पर्सनल गाली में ना करनी, मैं बात ही नहीं है। हाँ, कोई जो रहा ही नहीं, ड्रामे की बात करनी है। जो नहीं रहा वो पर्सनल तो नहीं रहा, बस आप मेरे साथ ऐसे जो गैर हो गया वो अपना नहीं रहा, तो वो बस ठीक है। मैं फिर आपसे बात नहीं करूँगा। आप मुझसे बात नहीं करेंगे यार? कैमरा बंद कर, नहीं करूँगा, अपने सर पे आकर कसम खाओगे मुझसे बात नहीं करोगे? मैं कसम खाती हूँ। नहीं, मैम, मुझे तुमसे कोई वफा नहीं चाहिए, मेरे सर पर हाथ रख के कसम। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि सवाल इनसे ये था कि रोना अच्छा लगता है या रुलाना अच्छा लगता है? वो कहती है ना रोना अच्छा लगता है। हाँ, रोना नहीं अच्छा लगता और रुलाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रुलाना बिल्कुल, कहते जब आप किसी को रुलाओगे ना तो आपकी आंखों में आंसू खुद ब खुद आ जाए। मैं वही मैं कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आपने जिंदगी में कभी किसी को रोने नहीं? आपका मिशन क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों रोई, आपको किसने रुलाया? मुझे बस ऐसे ही अपने दोस्त जो होते हैं, कहते हैं रुलाता वही है जिसपे ट्रस्ट किया जाता है। पढ़ी गई है ना, आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये पता है जो खून के रिश्ते होते हैं जी, जिनसे लगाव होता है, जिनसे मोहब्बत होती है, जिनसे प्यार, जिनके लिए इंसान खुद को एक किस्म का बेच देता है, जब वो रुलाते हैं तो कैसा लगता है? वो तो खून के रिश्तों के रुलाने पर भी वो एक्सप्रेशन है जो किसी दोस्त ने रुला दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं, जो खून के रिश्ते होते हैं उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। नहीं, ये अब भाई हैं आप खून के रिश्तों की तरह, उससे बड़ा कोई रिश्ता। तो वहाँ उनके लिए तो हम यहाँ दर बदर हो रहे हैं अपने खून के रिश्तों के लिए, ताकि वो सुख से चैन से अपनी जिंदगी गुजार सके, आराम से सो सके, हम यहाँ रातों में जिले। उनके लिए रोना भी अच्छा लगता है, उनके लिए रोना, दुख उठाना भी अच्छा लगता है। और जो खून के रिश्ते हैं उन्होंने भी कभी आपके लिए कुछ दुख उठाया? ये फनकार के साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है, आर्टिस्ट खास तौर पे लड़की। मेरी फैमिली में, मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है, माँ है, बहनें हैं और दो भाई थे, एक डेथ हो गई थी, इसलिए मेरी फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरा दिल दुखाया हो, और उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी मेरे लिए कुछ करने की। आपने फील्ड में एक अच्छा नाम मकाम पाया, बड़ी मेहनत की है, बस ये मेरी माँ की दुआएं और लगी। ये कभी इस मकाम के लिए भी आने के लिए तकलीफें उठाई होंगी? बहुत सारी। तो रोना पड़ा, रोना कभी रोना आया? हाँ, रुलाया इस फील्ड ने, बहुत रुलाया। असल में इस फील्ड ने रुलाया, असल इस फील्ड ने रुलाया। तो वो फिर जो आप रोई, जो दुख उठाए, तो उसका रिजल्ट भी मिला आपको? वो जो मैं रोई, मैंने जो दुख उठाए, कुछ लोगों की तलख बातें, तलख रवैया मैंने बर्दाश्त किया, उसका ये रिजल्ट अल्लाह ताला को शायद। रिवर्स बताने का मकसद सिर्फ ये था, खूबसूरत कैब से पूछने का मकसद ये था, रोना अच्छा लगता है या रुलाना अच्छा लगता है? दुनिया का कोई भी काम हो, बगैर तकलीफों के इंसान उसमें जगह नहीं बना सकता। तकलीफ होती है तो इंसान रोता है, जब रोता है तो फिर उसको एहसास होता है कि मेरी वजह से अगर कोई रोया है तो उसको कितनी तकलीफ होगी। तो हमारी ये खूबसूरत फनकारा बड़ा खूबसूरत जवाब दिया इन्होंने, आजकल हमारे पास शालीमार थिएटर में है, जो मेरे रात तक मौजूद है, देखने जरूर आइए, मिस ना कीजिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ रुखसत कीजिए।